बस्तर सरगुजा संभाग चयनित शिक्षकों का नियुक्ति नहीं देने पर आंदोलन का आह्वान। रायपुर बस्तर सरगुजा संभाग चयनित शिक्षकों का नियुक्ति नहीं देने पर बूढ़ातालाब रायपुर में 9 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने 2019 में राज्य के शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षक भर्ती 14,580 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू किया था, जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा शिक्षक पद के लिए जनवरी 2020 और जनवरी 2021 में 2 बार सत्यापन करा चुके हैं, मगर अभी तक नियुक्ति नहीं दिया है। ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों को आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। विभाग सितंबर 2021 में सिर्फ रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग को नियुक्ति दिया है और बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय भर्ती एवं अनियमितता केस का हवाला देकर रोक लगा दिया गया है। वर्तमान में हाईकोर्ट बिलासपुर द्वारा शिक्षक पद को संभाग संवर्ग का पद घोषित एवं प्रोविजनल के आधार पर शिक्षक पद पर नियुक्ति देने का रास्ता खोल दिया, मगर अब भी विभाग द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं किया है, जिससे बस्तर एवं सरगुजा के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय को लेकर बूढ़ातालाब रायपुर में शांतिपूर्ण तरीके से भर्ती देने मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 9 अक्टूबर से किया जा रहे हैं। जय जोहार साथियों, हम लोग चयनित अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं 2019 वाले, जिनको सिर्फ प्रोविजनल लेटर देकर अभी तक हमको नियुक्ति नहीं दिया गया है। हमारे जो अन्य साथी हैं, अन्य संभाग वाले साथी हैं, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर वाले साथी हैं, उनको नियुक्ति दे दिया गया है और हमको सरगुजा और बस्तर संभाग वाले साथियों को अभी तक नियुक्ति नहीं दिया गया है। हम लगातार स्थानीय भर्ती वाला जो स्टे था उसको हटवाने का कोशिश किए हैं, हटा भी है। उसके बाद जिनको प्रोविजनल मिल चुका है उनको नियुक्ति त्वरित देना चाहिए, वो भी हमने स्टे हटवाए हैं। जितना भी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना था वो सब चीज़ किए हैं। उसके बाद भी शिक्षा सचिव कमलप्रीत सर का बोलना है कि आप लोग पर्सनल वकील लगाइए, सरकारी वकील कोई काम करता नहीं है, इसलिए आप लोग पर्सनल वकील लगाइए और असोनी रात्रे का जो केस है उसको हटवाइए। बार बार हम लोग को घुमाने का काम कर रहा है, बल्कि नियमता हमको अभी तक का नियुक्ति दे देना चाहिए था हम लोग को। कितने दिन का आप लोग का धरना प्रदर्शन? हम लोग का धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन का है, आज से शुरुआत है और हम लोग कल से भूख हड़ताल में बैठने वाले हैं और लगातार आप सभी भाई हम यहाँ भूख हड़ताल में बैठेंगे, भाई बहन सब मिलकर बैठेंगे और या तो हमको नियुक्ति चाहिए या तो हमारे यहाँ से अर्थी लेके जाए। कितने की संख्या में हो आप लोग, कितने लोगों का नियुक्ति नहीं हुआ? हमारा टोटल 2300 चयनित अभ्यर्थी हैं जिनका नियुक्ति नहीं हुआ है। हमारे अभी वर्तमान में भी लगभग 200 साथी आ चुके हैं और लगभग 2300 साथी टोटल कल तक पहुंच जाएंगे। सब अभी रास्ते में हैं, सबका घर दूर है, अब मंजिल हमको नज़दीक लाना ही है। हम सब मिलके एक लड़ाई करके ही हम लोग मंजिल पाएंगे। सरकार से क्या मांग करते हो आप? सरकार से यही मांग कर रहे हैं, जो विभाग हमको घुमा रहा है, जो विभाग हमको आज तक प्रताड़ित कर रहे हैं मानसिक रूप में, आर्थिक रूप में, हमको त्वरित ही नियुक्ति चाहिए। हमको शिक्षा विभाग के तरफ से ही ऐसा घुमाया जा रहा है कि आप अभी स्टे लगा हुआ है, नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। हम शिक्षा विभाग से ही परेशान हैं। इसमें शिक्षा सचिव और जो उप संचालक जी जो सीधी भर्ती देख रहे हैं, चौरे सर और कमलप्रीत सर, दोनों के हिसाब सब गलती है और ये दोनों ही हमको पता नहीं, बस्तर सरगुजा वालों को आदिवासी लोग समझते हैं, अनपढ़ समझते, क्या समझते समझ नहीं आ रहा है, बार बार घुमा रहे हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार साहू हूँ और मैं बस्तर संभाग का रहने वाला हूँ, चारमा छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। सर अभी तक शिक्षक भर्ती पूरा नहीं हुआ है, 2.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाए और सभी चयनित शिक्षक है उनको नियुक्ति दिया जाए। अगर नियुक्ति नहीं होती तो आने वाले समय में आप लोगों का क्या रहेगा? ये हड़ताल जो है आगे मतलब चलते ही रहेगा जब तक नियुक्ति पूर्ण ना हो जाए। मेरा नाम दानेश्वरी साहू है, मैं लेक्चरर के लिए यहाँ आई हूँ। लेक्चरर में भी बहुत सारी सीटें अभी खाली है, मैं चाहती हूँ कि मतलब भर्ती पूर्ण हो और उसके लिए आगे सूची आए, और विभाग द्वारा कहा गया है कि अब लेक्चरर के लिए आगे कोई सूची नहीं आएगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।